हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक क्वेश्चन है यार, आज की वीडियो एक क्वेश्चन के ऊपर है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। सो यूजिंग लीनियर रिग्रेशन ऑल प्रडिक्शंस लाइक इस जितने प्रडिक्शन होते हैं प्रडिक्शन जो हो गया वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होते हैं 0.5 कैन बी कंसिडर्ड एज वन, जिसको हम वन के एज ए कंसिडर करते हैं, और रेस्ट जितने भी इससे नीचे हैं वो उसको हम जीरो के एज ए कंसिडर करते हैं। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस वाई क्लासिफिकेशन कांट बी परफॉर्म्ड यूजिंग इट। सो मतलब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर क्लासिफिकेशन उसके थ्रू क्यों नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम है, सपोज वी आर क्लासिफाइंग ईमेल एज स्पैम और नॉट स्पैम एंड अवर आउटपुट इज वाई, देन इट कैन बी जीरो स्पैम और वन नॉट स्पैम। इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एच थीटा एक्स कैन बी ग्रेटर देन वन और सॉरी इट कैन बी ग्रेटर देन वन और लेस देन जीरो। ओके, ऑल दो आवर प्रिडिक्शन शुड बी बिटवीन जीरो एंड वन, द मॉडल विल प्रिडिक्ट वैल्यू आउट ऑफ द रेंज मे बी ग्रेटर देन वन और लेस देन जीरो। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, वेयर द गोल इज टू प्रिडिक्ट वन ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स सच एज ट्रू और फॉल्स और यस और नो। हेयर आर सम रीजन्स वाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वाइडली यूज इन क्लासिफिकेशन टास्क, दैट इज सिंपल एंड इंटरप्रिटेबल। दिस इज सिंपल एंड इंटरप्रिटेबल। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज रिलेटिवली सिंपल एल्गोरिदम दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट। इट कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, तो ये हमें एक प्रोवाइड करता है इनसाइट दो चीज़ों के अंदर में, एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। जो प्रोबेबिलिटी है पर्टिकुलर आउटकम और जो इंडिपेंडेंट है उन दोनों के बिटवीन एक रिलेशनशिप देता है हमें। ठीक है, फिर बाद में लीनियर डिसीजन बाउंड्री, दूसरा जो रीजन है वो है लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज टू मॉडल लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज विच मेक्स इट यूजफुल फॉर सेपरेटिंग डेटा पॉइंट्स इनटू बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लासेस। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया अपना एफिशिएंट ट्रेनिंग। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी ट्रेन क्विकली इवन विद द लार्ज डेटा सेट्स एंड इज लेस कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव देन मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स लाइक न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, रोबस्ट टू नॉइस, अगला जो पॉइंट है वो हो गया आपका रोबस्ट टू नॉइस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन हैंडल नॉइस इन द इनपुट डेटा एंड इज लेस प्रोन टू ओवर फिटिंग कंपेयर टू अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और जो अगला जो पॉइंट है वर्क्स वेल विद स्मॉल डेटा सेट। विथ स्मॉल डेटा सेट, ओके, जो स्मॉल डेटा सेट है उसके साथ में भी ये अच्छे से काम करता है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन परफॉर्म वेल इवन व्हेन देयर इज अ लिमिटेड डेटा अवेलेबल, मेकिंग इट अ यूजफुल एल्गोरिदम व्हेन डीलिंग विथ स्मॉल डेटा सेट्स। ओवरऑल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज पॉपुलर एंड इफेक्टिव मेथड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, हाउएवर इट मे बी सुटेबल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वेयर देयर आर मल्टीपल क्लासेस और नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वेरिएबल एंड द आउटपुट। सो अपन ये सब सिग्मॉइड फंक्शन वगैरह मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था जो इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार और फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये जीरो और वन के बिटवीन ही वो करता है। ये एस टाइप स्ट्रक्चर होती है जो जीरो से लेकर वन तक के बीच में वेरी करती है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया एच
थीटा एक्स इक्वल टू जी, ये हो गया आपका वेट, बेसिकली इसको वेट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो थीटा टी बाहर, एक्स फंक्शन ऑफ ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/e - x। ओके, हेयर वी प्लग दिस पर्टिकुलर थिंग थीटा टी एक्स इनटू लॉजिस्टिक फंक्शन वेयर थीटा आर द वेट्स एंड पैरामीटर्स एंड एक्स इज द इनपुट, एंड जो एच थीटा एक्स है इज द हाइपोथेसिस फंक्शन। ये हो गया हाइपोथेसिस फंक्शन। ठीक है, एंड जी जी वाला है, ये हो गया सिग्मॉइड फंक्शन। सो एच थीटा एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वाई इक्वल टू वन, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू थीटा कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स दैट द वाई इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज पैरामीटराइज्ड टू जीरो थीटा टू गेट द डिस्क्रीट वैल्यूज 0 और 1 और क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये हो गया आपका कि वाई की वैल्यू वन वन कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू कोई मतलब डिस्क्रीट वैल्यू, किसी डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में आ रही है, या फिर कोई पैरामीटर्स अपन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के पैरामीटर्स हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये डिस्क्रीट बाउंड्रीज हो सकती है जो कि डिफाइंड होती है। द हाइपोथेसिस कैन बी ट्रांसलेटेड एज, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 विच इज वाई इक्वल टू वन, एंड थीटा एक्स ये है लेस देन 0.5 तब जब ये वाई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब देखो इसको हम जेड एक्स को हम 0.5 से ऊपर भी बोल सकते हैं वन के केस में जब वाई वन है, और इसको थीटा एक्स को भी हम 0.5 की फॉर्म में बोल सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल ये है तो ये भी 0.5 से ऊपर ही होगा। डिसीजन बाउंड्री इज द लाइन दैट डिस्टिंग्विशेस द एरिया वेयर वाई इक्वल टू जीरो एंड वेयर वाई इक्वल टू वन। दीज डिसीजन बाउंड्रीज रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोथेसिस फंक्शन अंडर कंसिडरेशन। अंडरस्टैंडिंग डिसीजन बाउंड्रीज विद एन एग्जाम्पल, लेट्स अवर हाइपोथेसिस फंक्शन इज, सपोज अवर हाइपोथेसिस फंक्शन इज ये, ओके, एक्स वन थीटा टू एक्स टू प्लस थीटा थ्री एक्स वन थ्री वन की पावर टू प्लस थीटा फोर एक्स टू की पावर टू, ठीक है, देन जो डिसीजन बाउंड्रीज हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए, सो ये वाला तो हो गया वाई इक्वल टू वन, ये हो गया वाई इक्वल टू वन, बाहर वाला वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, ये जो अंदर वाला हो गया वाई इक्वल टू जीरो, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लास जीरो के अंदर है, और बाहर वाले जितने पॉइंट्स हैं वो क्लास वन के अंदर में, ठीक है। सो दिस इज नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री ट्री, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा नॉन लीनियर है। लीनियर तो ये हो जाता है यार, तो एक तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं और एक ये वाले पॉइंट्स होते हैं, और ये नॉन लीनियर बाउंड्री हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री ट्री है। सो वेट्स वेट जो पैरामीटर हो गए इसके अंदर, जो वेट पैरामीटर है मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू ले लेते हैं एज ए हाइपोथेसिस 1 1, ठीक है। सो इट प्रिडिक्ट वाई इक्वल टू वन इफ, ये वाई इक्वल टू कब प्रिडिक्ट करेगा, जब -1 + x, क्योंकि दो तो जीरो हो गए, और ये सारा जीरो से इक्वल से बड़ा हो, क्योंकि हमें ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन उससे बड़ा चाहिए ना। पर देखिए ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला जेड वाला उससे ऊपर चाहिए, ठीक है। सो सॉरी इसको मैं जेड करता हूँ, तो ये वाला हमें जीरो से बड़ा चाहिए, और इसका मतलब क्या है कि अगर ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट 1 से बड़ा होगा, तो तब उस कंडीशन में वाई इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट करेगा, जब ये पर्टिकुलर 0 या 0 से इक्वल होगा और ये 1 या 1 से ऊपर होगा, तब ये आप ये समझ लो ना यार, उधर से इधर से ही समझ में आ रहा है कि जब 0 से ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो ये यहाँ होगा, या फिर 1 से बड़ा होगा तो भी यहाँ होगा, ठीक है, ये इस पोर्शन को कवर कर रहा है। 0 से
तो बड़ा होना चाहिए और 1 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो एंड दैट इज द इक्वेशन, ये जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल है विद रेडियस 1। यहाँ पर रेडियस क्या है इसकी, 1 है। इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, जहाँ पर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 रेडियस हो गई। इसको आर स्क्वायर बोलते हैं बेसिकली हम, तो ये रेडियस है। एंड द ओरिजन एज द सेंटर, यहाँ पर चूंकि असल में क्या होता है ना, ये कि ओरिजन ये ए के साथ में होता है, ये ऐसे होती है इक्वेशन, वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये जो है वो ओरिजिन बताता है कि ए और बी, यहाँ पर ए और बी है नहीं, तो ये कह रहा है सीधा सीधा ओरिजिन से स्टार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द डिसीजन बाउंड्री ट्री बाउंड्री फॉर आवर डिफाइंड हाइपोथेसिस। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।